आज हम देख लेते हैं थेरापेटिक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर नाइन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थेरोपेटिक जो एक्वेटिक थेरेपी है द यूज ऑफ वाटर फॉर द रिहेबिलटेशन पर्पज एट्रेस द यूज ऑफ वाटर फॉर द रिस्टोरेटिव पर्पज हैव ग्रोन इन पॉपुलैरिटी और एंड हैज अगेन इंक्रीज यूज इन फैसिलिटेटिंग थेरापेटिक एक्सरसाइज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करा होता है क्लिनिशियंस विद द ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट में अदरवाइज भी डिफिकल्ट होते हैं या फिर इम्पॉसिबल होते हैं कि वो इम्प्रीमेंट हो ऑन द लैंड यूजिंग पॉइंट डिवाइस एंड वेरी डेप्थ इमरजेंट द प्रैक्टिशनर हैज फ्लैक्सीबिलिटी इन पोजिशनिंग द पेशेंट जैसे स्पाइन हो सीटिड है नीलिंग है प्रोन है साइड लैंग है या वर्टिकली है ठीक है विद एनी डिजायर अमाउंट ऑफ वेट बेरिंग जो है वो यूज कर सकता है एक्वेटिक थेरेपी जो एक्वेटिक एक्सरसाइजेज हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड विद फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ रिहेबिलिटेशन पॉपुलेशन इंक्लूड द पीडियाट्रिक्स आर्थोपेटिक्स न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट्स बैकग्राउंड एंड प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक सॉरी एक्वेटिक एक्सरसाइजेस सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक्वेटिक एक्सरसाइजेज की एक्वेटिक एक्सरसाइज रेफर टू द यूज ऑफ वाटर द मल्टी डेप्थ इंपर्जन एंड पोला टैंक दैट फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के वो थेरापटिक इंटरवेंशन को अप्लाई करें uh, in, कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रैचिंग है स्ट्रेंदिंग है जॉइंट मोबालाइजेशन है बैलेंस है गेट ट्रेनिंग है एंडोरेंस ट्रेनिंग है ठीक है विद इन द वाटर ठीक है देना गोल एंड इंडिकेशन ऑफ फॉर द एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के गोल एंड इंडिकेशन क्या हैं स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द एक्वेटिक एक्सरसाइज इज टू फेसिलिटेट द फंक्शन रिकवरी बाई प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट दैट आर्ग्यूमेंट दैट आर्ग्यूमेंट द पेशेंट एंड द प्रैक्टिशनर एबिलिटी टू परफॉर्म अ वेरियस थेटिक इंटरवेंशन ठीक है एक्वेटिक एक्सरसाइज जो है कैन बी यूज टू अचीव द फॉलोइंग स्पेसिफिक गोल्स कौन कौन से फैसिलिट द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इनिशिएट करता है रिजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटेट करता है वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ को इनहांस करता है डिलीवरी ऑफ द मैनुअल टेक्निक को इसके साथ प्रोवाइड द थ्री डायमेंशनल एसेस टू द पेशेंट फैसिलेट द कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज इनिशिएट फंक्शनल एक्टिविटी रिप्लिकेशन मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंजरी करता है री इंजरी ड्यूरिंग द रिहेबिलेशन और इन्हांस पेशेंट रिलैक्सेशन ये कुछ जो है इसके गोल एंड इंडिकेशन थी दो जो रिसर्च स्टडी सपोर्ट बाई दिस गोल द एक्वेटिक एक्सरसाइज हाल एंड एसोसिएट नीडेड नीड टू बी मोर रिसर्च होनी चाहिए मोस्ट डिजाइन जो एड्रेस करें टेम्परेचर ऑफ द वाटर डेप्थ ऑफ इमरजन इन द स्केयर सेटिंग

वो मसल गार्डनिंग हो रही है स्ट्रेस रिस्पांस है इम प्रॉपर फॉर्म विद एक्सरसाइज है उसकी वजह से ऑफन पेशेंट जो है रिक्वायर्ड द ओरिएंटेशन पीरियड डिजाइन टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ इमरजन ऑन द बैलेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमर्ज बॉडी इन प्रॉपर यूज ऑफ फ्लोटिंग डिवाइस नियलॉजिकल डिसर्डर्स में हमारे पास अटैक्जिक पेशेंट जो है मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता है इनक्रीज डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द पर्पजफुल मोशन मोमेंट में uh, जो पेशेंट है विद द हीट इन टॉलरेंस मल्टीपल स्कोलोसिस के जो पेशेंट है मे फटीक हो रहे होते हैं जब वो वो इमर्ज होते हैं इमरजेंट इन टेम्परेचर विद ग ग्रेटर दैन थर्टी थ्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है उसमें पेशेंट विद कंट्रोल एपीलेपसी जो है वो रिक्वायर्ड क्लोज मोनिटरिंग डूरिंग द इमर्ज ट्रीटमेंट एंड मस्ट बी कम्पलेंट विद द मेडिकेशन प्रायर टू द ट्रीटमेंट रिस्िपायरेटी डिजीज़ में जो है वाटर इमरजें जो है हमें एडवर्सली कर रहा होता है विद द ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट पे क्योंकि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में जो है हमें थोड़ा सा प्रकॉशन लेनी होती है uh, क्योंकि लंग एक्सपेंशन जो है टें टू बी इनहेबिट हो रहा होता है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वाटर का अगेंस द चेस्टवाल ठीक है उसकी वजह से और क्योंकि एडिशनली उसमें क्या होता है आपके पास सॉरी एडिशनल इंक्रीज सर्कुलेशन इन द चेस्ट वाल मे भी फर्दर इनहेबिट द लंग एक्सपेंशन कर रहे होते हैं डू टू इं द सर्कुलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होती है आप टेक हो रही होती है इज इज लोअर ड्यूरिंग द मोस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर एक्सरसाइजेज देन द ड्यूरिंग लैंड एक्सरसाइज में ठीक है फोकस ऑन द एविडेंस कुछ रिसर्च की जिसमें रिसर्चिज में बताया गया कि उन्होंने रिसर्च की उन्होंने कंपेयर किया नोज एंड मोथ इमरजेंट टू द नॉन इमरजेंट के साथ पार्टिसिपेंट जो थे वो उनने थर्टी मिनट जो स्पेंड किया थर्टी मिनट स्पेंड कर रहे थे अ डे फॉर द फाइव डेज अ वीक दो मंथ तक इन अ पूल विद वाटर टेम्परेचर जो है थर्टी एट सेंटीग्रेड रखा गया द उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस था इन द इमर्ज ग्रुप में क्योंकि उनमें क्या था इंक्रीज़ था फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो थी इंक्रीज़ थी उनमें फोर्स एक्सपायरेटिव वॉल्यूम जो था इंक्रीज़ था इंक्रीज द पिक फ्लो जो इंक्रीज़ था इसके साथ जो है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था वो ज़्यादा था बेस्ड ऑन द इन

पीक वीओटू मैक्स और पी पीक ओ टू पल्स और पीक वेंटिलेशन और प्री लोड जो था उनमें इंक्रीज था एज वेल एज डिग्री सीरम करटेिन कम थी ग्लोमेर फैटिलेट कम था जो क्रिस्टिन सी जो इन सीरम जो थी वो कम थी एंड प्रोटीन करटे रोइो भी कम थी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी लो था एंड द टोटल सीरम कोलेस्ट्रोल एंड द सीरम टाइगरेस्ट्राइड उनने रिकमेंड किया द यूज़ ऑफ़ लो इंटेंसिटी सॉरी उन्होंने कहा कि दे, दे रिकमेंड दट तो लो इंटेंसिटी एक्वेटिक एक्सरसाइज टू इम्प्रूव तो द कार्डियो रिस्पायरेटिंग एंड रेनल फंक्शन इंडिविजुअल विदो क्रोनिक रेनल फेलियर जिनमें होगी उनके लिए ये कि लो इंटेंसिटी एक्वेटिक एक्सरसाइज एफेक्टिंग देन है कार्डिक डिसफंक्शन अगर किसी पेशेंट में पेशेंट को द पेशेंट विद द एंजाइना एब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हार्ट डिजीज़ है इनकम्प्रोमाइज्ड जो पम्प मैकेजम है आल्सो रिक्वाइर्ड क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वाइड होती है कैडर एंड कॉलेग ने डेमोस्ट्रेट किया कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज वर्क वर्क रेट वी ओ टू मैक्स वी टू पीक एंड व वॉकिंग कैपेसिटी एंड द मसल फंक्शनिंग इन पेशेंट विद द कंजेस्टिव हेल्थ फेलियर एंड टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस में और तिफा एंड क्लीग ने डेमोस्ट्रेट किया द सिमिलर रिजल्ट ऑफ इंक्रीज वी ओ टू वी ओ टू पीक में इन पेशेंट विद द क्रोनिक हार्ट फेलियर में और क्रोनरी आर्टी डिजीज में विद नॉर्मल लेफ्ट वेंटिकुलर फंक्शन के पेशेंट में फोकस ऑन द एविडेंस देख लेते हैं एक रिसर्च में देखा कि उन, एक, न, 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 ने गया कि ने प्रोवाइड किया फॉर फॉर द द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए वन प्रिस्क्राइबिंग द एक्वेडी थेरेपी फॉर द पेशेंट विद द लेफ्ट वेंटिकुलर अगर किसी में डिसफंक्शन है या फिर जिनमें स्टेबल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उनमें इन दिस इन द रिव्यू लिटरेचर इन द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर द फॉलोइंग रिहेबिलिटेशन एंड सेकेंडरी प्रोवेशन उन्होंने क्या किया पहला क्या किया कि उन्होंने पहला बताया कि कंटेम्प्रेरी एब नॉर्मल हेमाडाइनमिक रिस्पांस में भी एलिसिट बाय द इमरजन टू द नेक तक अगर होगा तब वाटर थेरेपी जो है इज एब्सोलेटिकंडा इंडिकेटेड है पेशेंट विद द डी कंपनिटेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उनके लिए फेलिंग गुड इन वाटर डज नॉट इक्वेट विद द लेफ्ट एंटिकुलर टॉलरेंस ऑफ द इनक्रीज वॉलीम लोडिंग काज बाई द इमरजन अगर पेशेंट जो है प्रीवियसलीफेक्शन है एंड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है कैन स्लीप स्पाइन एंड में इन एबल टू टॉलिट ब्रीदिंग इन हाफ जो सीटिंग पोजिशन है जब वो प्रोवाइडेड इमरजेंट डज नॉट एक्सीड द जिफाइट प्रोसेस से एक्सीड नहीं होना चाहिए uh, और पेशेंट जो है विद क्यू वेव जिनमें क्यू वेव माइको इन्फेक्शन ऑल्डर दिन सिक्स मंथ जो है ने एक्सरसाइज इन अपोल विद आ तो पेडी के रिजन के लिए कर सकते हैं प्रोवाइड दे डू सो इन दी अपराइट पोजिशन में करेंगे और इमरजेंट डज नाट एक्सीड दिफाइट प्रोसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है स्माल एंड ओपन वुल्ड एंड लाइन्स अगर होंगी तो उनकी सूरत में स्माल ओपन वंड एंड द्रैक ट्रिकॉर्डमेंट अगर कि, किसी की हुई हैं में भी कवर्ड बाई दाटर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग के साथ कवर होनी चाहिए पेशेंट विद द इंटरवेनेस लाइन होगी हैकमेन लाइन्स है किसी की एन अदर ओपनिंग लाइन्स है रिक्वायर्ड टू प्रॉपर क्लम्पिंग एंड द फिक्सेशन होनी चाहिए उनकी प्रिकॉशन शुड बी आल्सो बी एक्सरसाइज विद द पेशेंट हैविंग जी टू सुपर प्यर अप्लीक एंड द ऑब्जर्वेशन फॉर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द एक्वेटिक थेरेपी इज इसशियल देना हमारे पास uh, ये हमारे पास जो है इनने बताया हुआ है इमरजेंट कितनी होनी चाहिए परसेंटेज ऑफ वेट बेरिंग एट अ वेरी सी डेप्थ वेट बेरिंग विद मरीजन टेन परसेंट जो है सी सेवन पर तक आती है जब फाइव पे है तो थर्टी थ्री परसेंट और एस एस आई एस पे है तो फिफ्टी परसेंट देन हमारे पास कंट्राइंडेशन कंट्राइंडिकेशन टू दैकोवेडिक थेरेपी इंक्लूड द एनी सिचुएशन क्रिएटिंग द पोटेंशियल फॉर एडवर्स इफेक्ट टू देयर टू आइदर द पेशेंट जो है पेशेंट आर द वाटर एनवायरमेंट आइदर पेशेंट के लिए या फिर वाटर इन्वायरमेंट में सच फैक्टर इंक्लूड कौन कौन से इन्स पेशेंट कार्डि अनस्टेबल जाना एक्सपायरेटरी डिसफंक्शन का वायरल कपैसिटी लैस दिन वन लीटर अगर रहता है तो उनमें सिवियर पेफल वेस्कुलर डिजीज़ है उन्हें भी नहीं करवाते डेंजर ऑफ द ब्लीडिंग हेमरेज है भी नहीं करवाते सवियर कंडी डिजीज है पेशेंट अनएबल टू एडजस्ट अ फ्लोड लास्ट ड्यूरिंग एमरजेंट और ओपन वूड है विदाउट एक्लूसिव ड्रेसिंग कोलेक्स्टमी आर द स्किन इन्फेक्शन तो नहीं करवाएंगे अनकंट्रोल बाउल एंड ब्लैडर है बाउल एक्सीडेंट रिक्वाइर्ड फूल एविकेशन केमिकल ट्रीटमेंट इन द पॉसिबिली ड्रेनेज और मैंशन विद इंटरनल प्रोटेक्शन विदाउट इंटरनल प्रोटेक्शन नहीं है तब नहीं देंगे वाटर एंड एयरबोन इन्फेक्शन हर डिजीज़ है एग्जांपल इंक्लूड इंफ्लुजा है जीआईटी आई इन्फेक्शन है गेस्ट्रोटेशनल um, इन्फेक्शन है टाइफाइड है कॉलरा है पोलियोलाइटस है तो नहीं देंगे अनकंडीशन सीजर है ड्यूरिंग फर्स्ट फर्स्ट ईयर दे क्रिएट अ सेफ्टी इश्यू फॉर द बोथ क्लिनिशियन के लिए एंड द पेशेंट के लिए जब वो इमर्ज इमीडिएट रिमूवल फ्राम द पोल जब तब uh, देन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर वाटर की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर है फिजॉलोजिकल इंप्लीकेशन द डिलीवरी ऑफ थेब्यूटिक एक्सरसाइज क्योंकि जब हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं इफेक्टिवली एफिशिएंटली प्रैक्टिशनर जो है मस्ट बी बी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टैटिक और डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर एज दिएफेक्ट द ह्यूमन इमरजन एन एक्सरसाइज क्योंकि वो इफेक्ट कर रहे होते हैं इमरजन पर भीजन पर भी वाटर और एक्सरसाइज पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर में हमारे पास कौन कौन सी है बायसी है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है विस्कास्टी है सर्फस टेंशन है ये क्या कर रही होती है डायरेक्ट इफेक्ट आ रही होती है बॉडी पे इन द इक्वेटिक इन्वायरमेंट सबसे पहले हमारे पास बायसी बायसी

क्या क्या इंक्लूड इसके इफेक्ट सबसे पहले हमारे पास जो है इसका बायसी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है पेशेंट को विद द रिलेटिव वेटलेसनेस ठीक है और जॉइंट अनलोडिंग बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इन टर्न इट अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म एक्टिव मोशन विद इंक्रीज इज ठीक है दूसरा है जो बायसी है वो प्रोवाइड कर रही होती है रेजिस्टेंट टू तो द मोमेंट विद एन विद एन एक्सट्रीमिटी इज मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ बायसी दिस टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्ट्रेंथिंग द मसल के लिए हम यूज़ करते हैं देन है अमाउंट ऑफ द एयर इन द लंग विल अफेक्ट द बर्नसी ऑफ द बॉडी क्योंकि बर्ंसी जो है विल इंक्रीज विद फुली इन्फ्लेट लंग्स एंड डिक्रीज विद द डिफ्लेटेड एंड लंग्स में कम हो रही होती है और इन्फ्लेटेड लंग्स में ज़्यादा होती है हाँ क्योंकि बॉडी बॉडी कंपोजिशन विल आल्सो अफेक्ट द बर्ंसी ऑबीज पेशेंट जो होंगे विल बी इंक्रीज बंसी ड्यू टू फैटी टिश्यू है वो क्योंकि उनमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और पेशेंट जिनमें जी, जी इंक्रीज डेंसिटी होती है उनमें लेस बंसी होती है देन दोज डिक्रीज द बॉन्डेंसिटी जिनमें कम होती है उनसे में बर्ंसी कम होती है बर्ंसी जो है एलो कर रही होती है प्रैक्टिशनर को थ्री डायमेंशन असेस टू द पेशेंट क्लिनिकल टिप्स क्या हैं रोटेटर कफ कफ पैथोलॉजी में द पेशेंट जो है रिकवरिंग फ्रॉम द रोटेटर कफ रिपेयर कैन यूज द बर्नसी फोर्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन द शोल्डर एबडक्शन एंड द फ्लैगजन वाइल परफॉर्मिंग द मोशन इन नेक डेप्थ वाटर में जब पेशेंट होगा और वेन परफॉर्मिंग द शोल्डर एक्सटेंशन फ्राम फ्राम नाइन्टी डिग्री फ्लैक्स पोजिशन में होगा द फोर्स ऑफ बर्ंसी जो है बिकम बन जाती है रेजिस्टेंस एज द पेशेंट पुल द आर्म डाउनवर्ड थ्रू द वाटर देन हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्जाटेडेड बाई द वाटर इन इमर्ज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या पासकर लास्ट स्टेट करता है द प्रेशर इज एक्जेड बाई द फ्लूड ऑन एन इमर्ज ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है आल सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट की जब एज द डेंसिटी ऑफ ऑफ डेंसिटी डेंसिटी एंड द डेप्थ ऑफ मर्जन इंक्रीज होगा तो सो डू द हाइड्रोस्टेटिक भी इंक्रीज हो जाए द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इट द इफेक्ट ऑफ द हेडरोस्टेटिक प्रेशर इन द दमिंग इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूज सॉरी क्या होता है इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूस आर लिमिट द फ्यूजन ओके रिड्यूस करा होता है लिमिट करा होता है फ्यूजन को और एस करता है वैन रिटर्न को और इंड्यूस जो इंड्यूस um, इंडियार्टियाँ और सेंट्रलाइज पेरिफेरल ब्लड फ्लो करता है प्रोपोर्शनेटली ऑफ डेप्थ इन द प्रेशर अलो द पेशेंट टू परफॉर्म एक्सरसाइज मोर इजीली व्हेन क्लोज टू द सरफेस में होगा तो इजीली करेगा <laughs> क्लिनिकल टिप्स क्या है इसकी रेगुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस भरबोसा एंड कलीग ने Uh, ने कंपेयर किया फ़िजॉलोजिकल एडाप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइज को विद डिफरेंट लेवल ऑफ इमर्ज टू द लैंड एक्सरसाइज के साथ पार्टिसिपेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे थे सेम एक्सरसाइज ऑन द लैंड इमर्ज टू द हिप और इमर्ज टू द ब्रेस्ट फॉर सिक्स मिनट तक फिजॉलोजिकल रिस्पांस जो था हायर था जब वो एक्सरसाइज एक्सरसाइजिंग इमर्ज टू द हिप लेवल पे थे व्हेन व्हेन दे इमर्ज टू द ब्रेस्ट एंड व्हेन दे एक्सरसाइजिंग ऑन द लैंड द इमर्ज आइदर डेप्थ

विस्कासिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस वालास्टिटी ऑफ द मोमेंट थ्रू द लिक्विड क्लिनिकल सिग्निफिकेंट वाटर की जो विस्कासटी है वो क्रिएट होता है रेजिस्टेंस विद आल एक्टिव मोमेंट के साथ क्योंकि इंक्रीज वालासिटी ऑफ द मोमेंट इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज द सर्फेस एरिया मूविंग थ्रू द वाटर इंक्रीज द रजिस्टेंस जितना सर्फेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रजिस्टें इंक्रीज होगी जितनी वालास्टिक मूवमेंट करेंगे जितनी तेजी में मूवमेंट करेंगे उतनी रिजिस्टेंट होगी ज़्यादा होगी ठीक है क्लिनिकल टिप्स जो है मा जोनसन ने साइड किया द लिम्फ फ्लो एंड द रिड्यूसिंग एडिमा इन पेशेंट विद द लिंफोडीमा हाउवर कॉशन इज नीडेड एज द डिपेंडेंट पोजिशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी मे कैंसल इट्स अफेक्ट जो रिकमेंडेड एक्टिविटी द फॉर्म ऑफ वाटर द स्ट्रेच दैट रिलीज द ब्लॉकेज एंड प्रोड्यूसक्सेशन ज़हीरा इच्छी अ फॉर्म ऑफ वाटर था इच्छी और उसमें वाटर एरोबिक्स इन द हल्विकी हा, मॉडल मॉडल दिस इस टेक्निक में इंक्रीज किया बैलेंस को स्ट्रेनिंग कॉर्डिनेशन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेन एक्वेटिक प्रोपर न्यूरोमस्कुलर न्यूरोस्कुलर फे, फैसिलिटेशन ये सारी जो एक्टिविटी जो रिकमेंडेडिक्वेटिक एक्टिविटीज थी ये डिफरेंट रेफरेंस बताए हुए हैं यहाँ पे जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की जो आप एक्टिविटी एक्सरसाइज हैं देख सकते हैं जाके फर्दर देन हमारे पास सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन जो है डेफिनेशन इसके सर्फेस ऑफ द वाटर एक्ट एज अ ब्रेन अंडर द टेंशन अंडर टेंशन सर्फस ऑफ द जो फ्लूड है वो एक्ट कर रही होती है मेमब्रेन अंडर टेंशन के तौर पर सफेद टेंशन इज मेन फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रॉपर्टीज के अट्रैक्शन अट्रक्शन ऑफ द सर्फेस मालिक्यूल पैरल टू द सर्फस द रजिस्टिव फोर्स ऑफ द सर्फस टेंशन चेंज द चेंज प्रोपेशनलिटी टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द लिक्विड सर्फिस क्लिनिकल सिग्निफिकेंट दफेक्ट ऑफ सर्फस टेंशन इन कू द फॉइंग क्योंकि इन एक्सट्रीमिटीज दट मूव थ्रू दर्फस परफॉर्म मोर वर्क देन इट केप्ट अंडर द वटर जब ऊपर होगी तो वो ज्यादा मोर वर्क करगी अगर वो अंडर वाटर होगी तो वो नहीं दिपमेंट फॉर दर्फस ऑफ द इंक्रीज आर रेजिस्टेंस हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोमेनिक्स हाइड्रोमेकेनिक्स कंप्राइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ़ करेक्ट्रिस्टिक फ्लूड इन मोशन कंपोनेंट ऑफ द फ्लू मोशन जो है फैक्ट्र फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं फ्लो पे दट आर लिमिनर फ्लो ट्यूबलेंट फ्लो एंड रैग तीन है ठीक है लेमिनेट फ्लो जो होता है द मोमेंट इन विच आर मालिक्यूल मूव पैरल टू इच अदर टिपिकली स्लो मूवमेंट इसमें होती है टिब्यूनट फ्लो जो होता है मोमेंट इन विच जो मालिक्यूल हैं वो डू नॉट मूव पेरल टू ई अदर टिपिकली फास्टर मोमेंट और ड्रैग में क्या होता है कम्पलीटी इफेक्ट ऑफ द टर्बुलेंस इन द फ्लू एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ ड्रैग क्या होती है एज द स्पीड ऑफ मोमेंट मोमेंट थ्रू द वाटर इंक्रीज होगी तो रजिस्टेंस जो होगी रजिस्ट थ्रू द मोशन जो है वो भी इंक्रीज होगी मोमेंट कैसी मूविंग वाटर जो है पास द पे पास द पेशेंट रिक्वायर्ड द पेन्ट टू वर्क हार्डर टू मेंटेन हिज़ आर हर पोजिशन इन अ पोल पहले एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट ग्लोव पैडल बोट इंक्रीज द ट्रैक और रजिस्टेंट टू द पेट मूव द एक्सट्रीमिटी थ्रू द वाटर क्लिनिकल टिप्स क्या हैं इंक्रीज द रेजिस्टेंट टू मोशन इफ द गोल इज इंक्रीज द मस्कुलर फोर्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द एनी एक्सटेंशन द क्लिनिशियन जो है वो कंसिडर करेगा कि वो यूज़ करे हाइड्रोबोट और द सिमिलर सिमिलर इक्विपमेंट सिमिलर डिवाइसेस ताकि इंक्रीज करे ड्रैग फोर्स को ऑन द लेग फुट फुटका एंड असेट ने मैयर किया हाइड्रो डायनेमिक ड्रैग इन बेयर फुट के साथ और हाइड्रो बोट के बोट की कंडीशन के साथ टू तो डिटरमाइन द कोफिशेंट ऑफ द ड्रैग ऑन ह्यूमन लेग इन द फुट मॉडल पे ड्यूरिंग दमुलेट सिम्यटेड नी एक्सटेंशन फ्लैग इन एक्सरसाइज के दौरान द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर रेजिस्टेंट जो है क्रिएट हाइयर ड्रैग फोर्स जब उसने हाइड्रो बोट जो थे वो यूज़ कर रहा था अर्ली पार्ट ऑफ एक्सटेंशन <tule identified hippe> दे दि hmm. देन है हमारे पास है थर सॉरी थर्मोडायनोमिक थर्मोडािक में क्या है वन द वाटर टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन द बॉडी देर फॉर ऑन द परफॉमेंस इन एक्वेटिक एनवायरमेंट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट क्या होता है इज द अमाउंट ऑफ हीट यानी क्लोरी रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई वन सेंटिग्रेड प्रॉपर्ली द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज डिपेंड ऑन द मास पे और स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर होता है क्लिनिकल सिग्नीफिकस इसकी क्या है वाटर रिटेन हीट थाउजेंड टाइम मोर देन एयर डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एन इमर्ज ऑब्जेक्ट इन दाटर एक्विबेट विद द मिनिममल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टेम्परेचर ट्रांसफर जो है वाटर क्या है um, जो वाटर कंडक्टर टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव टाइम फास्टर दैन एयर और हीट ट्रांसफर जो है इंक्रीज हो रही होती है विद द विदलास्टी और पेशेंट जो है मूविंग थ्रू द वाटर लूज बॉडी टेम्परेचर फास्टर देन द इमर्ज पेशेंट इन रेस्ट देन एज सेंटर ऑफ सेंटर 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 ऑफ 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 रादर देन द ग्रेविटी इट अफेक्ट द बॉडी इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट डेफिनेशन क्या होती है सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है इज द रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ द एन इमर्ज ऑब्जेक्ट ऑन ऑन द विच वर्टिकल फोर्स ऑफ द फ्लूड इज प्रिडक्टल एक्ट प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी uh, वर्टिकल फोर्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट विद द सेंटर ऑफ बर्सी क्रिएट अ रोटेशन मोशन सिग्निकलीनिकल सिग्निफिकेंट द वर्टिकल पोजिशन इन द वर्टिकल पोजिशन द ह्यूमन सेंटर जो है इज लोकेटेड होता है इन द स्टर्नम इन द वर्टिकल पोजिशन द पोस्टीरियरली प्लेस बर्ंसी जो है डिवाइस जो है बर्न् डि कॉल द पेशन टू लीड फारवर्ड इंटीरियर से जो है वो काज कार्य होती है पेशेंट की वो लीन बैकवर्ड जाएँ ड्यूरिंग द यूनिटर मैनुअल रिजिस्टें एक्सरसाइज द पेशेंट जो है रिवॉल्व अराउंड द प्रैक्टिशनर इन सर्कुलर मोशन और जो पेशेंट होगा यूनि लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पिटिशन में वो लीन होगा टुवर्ड द रेजिडेंट लिम साइड में व्हेन द वर्टिकल जब वर्टिकल पोजिशन पे होगा और जो पेशेंट जो है बेरिंग वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द पूल पे है सिटिंग या नीलिंग स्टैंडिंग में है वो एक्सपीरियंस करेगा एक्सपेक्ट ऑफ बोथ सेंटर ऑफ बर्यनसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को एक्सपीरियंस करेगा वो इस पोजिशन में ये है हमारे पास सेंटर ऑफ बर्नसी यहाँ पे जो इसका है इसका सेंटर दिन एक्वेटिक टेम्परेचर एंड थर्पेटिक एक्सरसाइज जो पेशेंट है Uh, क्योंकि पेशेंट इंपेयरमेंट द इंटरवेंशन गोल गोलिया के वो डिटरमाइन करें द वाटर टेम्परेचर सिलेक्शन इन जनरल यूटिलाइज द कूलर टेमपेचर टेम्परेचर फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड यूटिलाइज द वार्म वाटर वाटर टेम्परेचर ताकि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए फॉर द मसल रिलेक्सेशन के लिए द एम्बियंट एयर टेम्परेचर जो है शुड भी जो है थर्टी थ्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड हाईर द वाटर टेम्परेचर होना चाहिए फॉर द पेशेंट कम्फर्ट के लिए इन करेक्ट जो वाटर और एम्बियन एयर टेम्परेचर जो है सिलेक्शन में भी एडवर्सली इफेक्ट कर रहा होता है पेशेंट एबिलिटी टू आर टेल द to later maintain the emerged exercises. वाटर टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह की जाती है टेम्परेचर रेगुलेशन ड्यूरिंग द डिफर फ्राम द ड्यूरिंग लैंड एक्सरसाइज बिकॉज द आल्ट्रेशन इन कंडक्शन एंड द बॉडी एबिलिटी देर इज लेस स्किन एक्सपोजर टू द एयर होगा रिजल्टिंग इज लेस अपॉर्चुनिटी टू डेपेट हट थ्रू द नार्मल स्वेटिंग मकैनिज्म और वाटर जो है कंडक्ट टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव टाइम जो है फास्टर दैन एयर मोर इफ द पेशेंट जो है मूविंग होगा थ्रू द वाटर

या फिर कन्वर्सली uh, जो जो हैं वो एट द टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन सेवेंटी थर्टी सेवन में भी हार्मफुल होगा अगर प्रोलॉन्ग या मेंटेन एट द एक्सरसाइज इंटेंसिटी हार्टर वाटर में है एमरजेंट में भी इंक्रीज दी कार्डियोवेस्कुलर डिमांड एट रेस्ट विद द अगर uh, व वेस्ट डीप एक्सरसाइजिज जो है एट थर्टी थर्टी सेवन सेंटीग्रेड जो थर्म, थर्मल स्टिमुलेशन जो है टू तो इंक्रीज़ द हार्ट रेट ओवरकम द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पेफल ब्लड फ्लो ड्यूडिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जरूरत वजह से हो रहा होता है और एट द टेम्परेचर जो है ग्रेटर होगा देन आर इक्वल टू द थर्टी सेवन सेंटीग्रेट कार्डियोकॉर्कोल इंक्रीज होगी सिग्निफिकेंटली एट रेस्ट एंड ऑन देन है मोबिलिटी एंड फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज एक्सरसाइज इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथिंग ग्रेट रेनिंग और रिलेक्सेशन मे बी परफॉर्म इन द टेम्परेचर जो होगा ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी फाइव सेंटीग्रेड होगा तब परफॉर्म करनी इन द वार्म वाटर जो थर्टी थ्री सेंटीग्रेड बी बेनिफिशियल फॉर पेशेंट जिनमें एक्यूट पेनफुल मसल कल्टर इंजरीज हैं बिकॉज द एफक्ट ऑफ द रिलेक्सेशन होता है और एलिवेट द पेन थ्रेशोल्ड कर रही होती है और डिक्रीज द मसल पैजम कर रहा होता है ठीक है एरोबिक कंडीशनिंग क्या होता है क्या है कार्डियोबेस्कुल ट्रेनिंग एंड आरोबिक एक्सरसाइज जो है शुड भी परफॉर्म करे होते हैं इन्वाटर टेम्परेचर में जो छब्बीस से 28 सेंटीग्रेड होगा और दिस रेंज uh, जो है मिनिमाइज द एफिशिएंसी और इंक्रीज स्ट्रोक वाले में इंक्रीज कर रहा होता है डू नॉट एलिवेट द हार्ट रेट टू एक्सटेंड दू द एक्सटेंट द दाम वाटर डज वाटर ज्यादा कर रहा होता है इंटेंस एरो ट्रेनिंग परफॉर्म अबाउट एटी परसेंट ऑफ द पेशेंट मैक्सिमम हार्ट रेट शुड भी टेक प्लेस इन द टेमरेचर बिटवीन बीस से छब्बीस सेंटीग्रेट अगर है बाईस से छब्बीस सेंटीग्रेट है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हीट इलनेस हाँ कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं देर आर सेवरल कंसिडरेशन हैं फॉर द इमरजेंट टाइम इन दूल टेम्परेचर के हिसाब से बिकॉज इंक्रीज डिमांड जो होगी प्लेस ऑन द पेशेंट टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम विद एक्सीडिंग द इन पूल फॉलोइंग रिकमेंडेशन है क्या क्या है जनरली यूज मैक्सिमम इमरजेंट टाइम हम रहेंगे बीस मिनट फॉर द पेशेंट विद द नॉन कम्प्रोमाइज कार्डियो फॉलमरी सिस्टम जिनमें है हम बिगेन करेंगे विद टेन मिनट सेशन और इंक्रीज़ द टाइम एज रॉलेटेड ठीक है ऑलवेज मॉनिटर द वाइटल्स एंड एंड टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी जनरलाइज जो वाटर टेम्परेचर है वो बिटवीन होना चाहिए थर्टी सिक्स से थर्टी सेवन के दरमियान आर कंसिडर हाई कंसीडर हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर बिटवीन सी छब्बीस से पैंतीस होगा उनको हम कंसिडर करेंगे लो इन एडिशन द फॉलोइंग गाइडलाइंस द पेशेंट फिटीक फैक्टर नीड टू बी कन्सीडर हम ये भी करेंगे uh, देखेंगे और हाई टेम्परेचर जो है आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद द रिमांडा एक्सेप्ट द एक्यूट केस और लो टेम्परेचर हा रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद ए स्पास्टिसिटी और हु इमर्ज टाइम लास्ट देन ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव मिनट जिनमें उनमें करेंगी ठीक है uh, देने हमारे पास और क्या है फॉर जनरल जनरल एक्सरसाइज जनरल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेंदिंग और गेट ट्रेनिंग के लिए और रिलैक्सेशन के लिए द रेंज में भी बिटवीन छब्बीस सेंटीग्रेट से uh, पैंतीस सेंटीग्रेट तक हो सकती है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज में शुड बी परफॉर्म वाटर टेम्परेचर बिटवीन छब्बीस से अट्ठाईस सेंटीग्रेट होना चाहिए ठीक है देन है हमारे पास पूल फॉर द एक्वेटिक एक्सरसाइजेज जो पूल हैं वो हम यूज़ कर रहे होते फॉर द एक्वेटिक थेरेपी इज़ वेरी कर रहा होता शेप पे द रूम इन द दूल रूम इन विच पूल आर पूल आर हाउस नीड टू बी एडिक्वेट वेंटिलेशन टू अवॉइड द एकोमोडेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ऑन अ वॉल विंडो एंड फ्लोर ड्रेसिंग रूम जो है शुड बी प्रोवाइड फॉर चेंजिंग द क्लोथ एंड द शॉरिंग इन द ट्रेडिशनल थेरेपेटिक पोल जो हैं ट्रेडिशनल थेरेपेटिक पोल जो हैं पूल जो हैं मेयर uh, जो है एटलीस्ट हंड्रेड फीट होने चाहिए इन लेंथ एंड ट्वेंटी फोर फीट जो हैं विथ्थ uh, में होने चाहिए डेप्थ शुड भी बिगेन विथ थ्री टू फोर थ्री टू फोर फीट विद स्लोपिंग बॉटम प्रोग्रेस टू नाइन टू सेवन फीट प्रोग्रेसिंग नाइन टू सेवन फीट द लार्ज टाइप ऑफ पुल जो है मैं भी यूज़ कर रहे होता है फॉर ग्रुप ग्रुप ऑफ द पेशेंट एन द थर्पटिक थर्पिस्ट कंडक्टिंग द सेजन वाइल इन दूल और इंट्रेंस टू लार्ज थर्पेटिक पोल इंक्लूड द रैम्प स्ट्रेयर लेडर्स और मैकेल अवर हेड लिफ्ट से भी हम दे सकते हैं पूल जो है बिल्ट इन क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए ये आप देख रहे हो ये पुल है ट्रेडिशनल थर्पेटिक पुल हाँ इंडिविजुअल पेशेंट पुल जो है वो कैसा ऑन दुल जो है डिज़ाइन फॉर द इंडिजुअल पेशेंट यूज आर यूजली स्मालर सेल्फ कंटेन यूनिट द सेल्फ कंटेंट पुल जो है आर इंटर्ड बाई आ डोर आर वन आन टू टू स्टेप थर्पिस जो है वो प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन आर कइंग फ्राम आउट साइड द यूनिट वो इंस्ट्रक्शन देगा वो क्लो देगा आउटसाइड ये जैसी ये है अंडर वर्ल्ड ट्रेडमिल सिस्टम जो ये इन एडिशन जो इन बिल्ट सिस्टम है मे दिस यूनिट में भी में इंक्लूड ट्रेडमिल एडजस्टेबल प्लान वेरिंग वाटर डेप्थ जो हो सकती है उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे इक्वेटिक थेरेपी के लिए एक्सरसाइज uh, के लिए आ लार्ज वराइटी ऑफ इक्विपमेंट एक्जिस्ट फॉर द यूज ऑफ द एक्वेटिक एक्सरसाइज एक्वेटिक इक्विपमेंट जी इज़ यूज टू प्रोवाइड द दायोटिक स्पोर्ट टू द बॉडी आर एक्सट्रीमिटी के लिए दे होते हैं चैलेंजिंग चैलेंजिंग uh, के लिए या फिर असिस्ट करने के लिए बैलेंस ग्रेटर रजिस्टेंस के लिए जनरेट रजिस्टेंस के लिए टू द मूवमेंट रेजिस्टिव पैडल्स फ्लोट्स पैडल बोर्ड्स वेट स्टूल्स चेयर्स आर आर जस्ट फ्यू मैनी टाइप ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट बट एडिंग आर रिमूविंग जो इक्विपमेंट है वो भी है द प्रकटि के इन प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज इंटेंसिटी टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो है वो भी यूज कर रहा होता है बाई डिटरमाइनिंग द करंट फंक्शनल लेवल ऑफ द पेशेंट और स्पेसिफिक गोल फॉर द थेरेपेटिक सेशन का क्या स्पेसिफिक गोल है वो उसके हिसाब से कॉलर रिंग्स बेल्ट एंड वेस्ट जो है द इक्विपमेंट डिजाइन टू असिस्ट द पेशन पोजिशनिंग बाई प्रोवाइडिंग देंसी असिटेंस कैन भी अप्लाइड इन द नैक एक्सट्रीमिटी पे दे सकते हो ट्रंक पे इन्फ्लेटेबल सर्वाइकल कॉलर यूज फॉर द स्पाइन पेशेंट फॉर दी स्पाइन पेशेंट टू सपोर्ट द नेक और मेंटेन करे हेड को हेड को आउट ऑफ द वाटर फ्लोटिंग रिंग जो है कम इन वेरियस साइज़ के होते हैं और यूज टू सपोर्ट द एक्सट्रीमिटी इन इन एनी इमर्ज पोजिशन में रख सकते हैं ये देख सकते हो आप क्या है सर्वाइकल कॉलर जो है अफन जो है आफ अर रिंग आर यूज यूज एट आर रिस्ट एंकल ड्यूरिंग द मैनुअल टेक्निक्स टू असिस्ट द पेशेंट पोजिशनिंग पोजिशनिंग के लिए रिलेक्सेशन के लिए सेवल टाइप ऑफ बेल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर टाइप ऑफ बेल्ट एक्जिस्ट दैट मे बी यूज टू असिस्ट विद द बेन्सी ऑफ द एक्सट्रीमिटी टू इंटायर बॉडी के साथ बेल्ट और वास्ट जो है वेस्ट जो है वो यूज कर रहे होते हैं पोजिशन ऑफ द पेशेंट स्पाइन है प्रोन है वर्टिकली है फारसाडा डीप वाटर एक्टिविटी के लिए दे रहे होते हैं ये आप देख रहे हो फ्लोटिंग रिंग्स हैं ये वाले ये जो है बायसी बेल्ट हैं इन बायसी बेल्ट हैं और ठीक है देन हमारे पास स्विम बार्स स्विम बार जो है जो है स्विम बार्स आर अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग लेंथ आर यूजफुल फॉर सपोर्टिंग द अपर अपर बॉडी एंड ट्रंक इन अपराइट पोजिशन एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी इन द स्पाइन आर प्रोम पोजिशन जो पेशेंट है कैन कैन बैलेंस्ड सॉरी ये आप देख लो स्विम बार्स ठीक है ये डिफरेंट टाइप की लेंथ में भी और स्मॉल भी पेशेंट के इन बैलेंस बैलेंस आना लंग्स में बार इन डी वाटर डी वाटर और चैलेंज द बैलेंस प्रोपिसप्शन स्ट्रेंथ को के लिए होते हैं देना ग्लोव हैंड पैडल्स एंड हाइड्रोटोन बाल्स जो हैं रजिस्टर टू दर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट इज अचीव बाई द अपलाइंग द वेबल ग्लोव एंड प्रोग्रेसिवली लार्ज पैडल्स टू द हैंड के साथ आप रजिस्टर दे रहे होते हैं दिस डिवाइस इज नॉट अबेंटिक एंड देर फो ऑनली रजिस्ट द मोवमेंट मोशन को कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन में और हाइड्रोटोन बाल जो हैं लार्ज होते हैं प्लास्टिक डिवाइज दट इंक्रीज द ड्रैग ड्यूरिंग द अपर एक्सट्रीमिटी मोशन में ड्रैग को इंक्रीज़ रहे होते हैं द बाल जो है जनरेट सब्सटेंशली मोर रेजिस्टेंट दैन द ग्लव्स एंड द हैंड पैडल्स की नस्बत आप देख सकते हो ये हैंड पैडल्स ठीक है दैन अ फेंस एंड हाइड्रोटोन बोट्स जो है वो जो है द एप्लीकेशन ऑफ फिन एंड द बोट्स टू द फीट ड लोअर एक्सट्रीमिटी मोशन जनरेट द रजिस्टेंट बाई इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया मूविंग थ्रू द वाटर और फैंस जो हैं स्पेशली यूज होते हैं फॉर चैलेंजिंग द हिप नी और एंकल स्ट्रेंथ के लिए हाइड्रोटोन बोट्स जो हैं आर जो जो हैं मोस्ट इफेक्टिव हैं ड्यूरिंग द डीप वाटर वॉकिंग के लिए एंड रनिंग के लिए ठीक है ये हमारे पास हाइड्रोटोन बॉल बोट्स एंड बॉल्स हैं अच्छा आगे है किकबोर्ड्स किक बोर्ड ऑफ़ द किक बोर्ड जो है वेरी द मैनुफेक्चर वेरी कर रहे होते हैं एक्सटेंसिवली अमंग द मैनिफैक्चर नवेलस किक बोर्ड जो है रिमेन आर वर्सटाइल एंड दफेक्टिव फॉर एक्वेटिक थे ट्यूब के लिए फॉर आर्गूमेंट एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी होते हैं आर्ग्यूमेंटिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम की बोर्ड में बी यूज टू प्रोवाइड अ बांसी इन प्रोन पोजिशन स्पाइन पोजिशन में क्रिएट अर रजिस्टेंट टू वॉकिंग पैटर्न इन अलो वाटर वेन हेल्ड वर्ल्ड के लिए जब आप वेल्ट कर रहे होते हो आर चैलेंज सीटिड हो या फिर नीलिंग हो स्टैंडिंग हो बैलेंस इन डीप वाटर में होता है ठीक है देन अ केयर एंड सेफ्टी तो थर्मेटिक पूल जो है रिक्वायर रेगुलर केयर और क्लीनिंग अवॉइड द सीरोमेनास एंश्योनास इन्फेक्शन काजिंग फोलिकस फोलिक फोलिकुलाइटस ठीक है फ्रिक्वेंट यूज टू इंक्रीज़ द टोटल जो आर्गेनिक कार्बन है एज वेल एज अमोनिया एंड आर्गनिक जो नाइट्रोजन फोन इन द पूल शुड शुड बी अकर एटलीस्ट ट्वाइस वीकली क्लोरिन पी एच लेवल शुड भी डन डेली और उसके साथ जो है आल वर्किंग सर्फेस एरिया नीर द जो होगी पूल के वो शुड भी शुड भी स्लिप रेजिस्टेंस हो और फ्री ऑफ़ बैरियर्स वाटर सप्लाई जो है शुड बी राइड इमिडियटली टू प्रवेंट द स्लिपर फाल से प्रवेंट हो सेफ्टी रूल और रेगुलेशन आर आर मस्ट एज द एमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर शुड बी एंड शुड बी पोस्टेड एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्व बाई आल इनवाल्व जो थर्पेटिक पुल जो यूज करें उनकी उनको और लाइफ जो प्रिजर्व, प्रिजर्वर हैं शुड भी रेडीली रैडि, अवेलेबल हों एट लीस्ट वन स्टाफ मेंबर जो है हु इज सी पी आर सर्टिफाइड होना चाहिए शुड बी प्रेजेंट एट आल द टाइम ठीक है क्लिनिकल टिप्स जो है वो क्या हो सकती हैं प्राई टू द फर्स्ट थैरेपेटिक थेरेपेटिक सेशन ट्रीटमेंट स्केजुअल प्रोसीजर द ट्रीटमेंट स्केजुअल प्रोसीजर टू बी यूज प्रॉपर फुल आई शुड बी शुड बी डिस्कस विद द पेशेंट Uh, that th the good time uh, to review their uh, previous uh, pool experience and their experience for the um, session any bowel and bladder problem use any assistive or adaptive equipment or then the medications